हेलो स्टूडेंट्स, बीएमई सब्जेक्ट में आज हम लेके आए हैं आईसी इंजन चैप्टर का वन शॉट वीडियो। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके कंसेप्ट होने वाले हैं क्रिस्टल क्लियर। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करने से पहले, जो भी हमारा आईसी इंजन होता है, इंटरनल कंबशन इंजन, वो इंजन के बेसिक पार्ट्स का नॉलेज होना जरूरी है। तो वो बेसिक पार्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे फिगर मैंने बना के रखा है आईसी इंजन का। तो आईसी इंजन के अंदर सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि बेसिक पार्ट होता है एक तो सिलेंडर। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर होता है पिस्टन। तो ये हो गया हमारा पिस्टन। अब ये जो पिस्टन है वो सिलेंडर के अंदर ऑसिलेट करता रहता है, यानी कि बोल लो ऊपर नीचे होता रहता है। अब ये जो सिलेंडर है इसके ऊपर दो वाल्व्स होते हैं, एक को बोल देंगे हम इनलेट वाल्व और दूसरे को बोल देंगे हम आउटलेट वाल्व। इनलेट वाल्व की हेल्प से हम सिलेंडर के अंदर प्योर एयर और फ्यूल का मिक्सचर डालते हैं, जिसे हम फ्रेश चार्ज बोलते हैं। और ये जो आउटलेट वाल्व है, ये आउटलेट वाल्व की हेल्प से हम ये सिलेंडर के अंदर जो बर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं, कंबशन के बाद के जो जले हुए पार्टिकल्स होते हैं, वो आउटलेट वाल्व से बाहर निकल जाते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। अब ये दोनों वाल्व के बीच में अगर पेट्रोल इंजन हो तो हम यूज करेंगे स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग क्या करेगा? स्पार्क प्लग एक छोटा सा स्पार्क प्रोड्यूस करेगा, एक चिंगारी देगा इग्निशन के लिए, इग्निशन यानी फ्यूल को जलाने के लिए। और अगर हमारा इंजन डीजल है या फिर डीजल यूज कर रहे हैं हम इंजन में, तो हम स्पार्क प्लग की जगह फ्यूल इंजेक्टर का यूज करेंगे। तो फ्यूल इंजेक्टर क्या करेगा? वो फ्यूल को इंजेक्ट करेगा, डीजल को इंजेक्ट करेगा सिलेंडर के अंदर, जिससे करके इग्निशन हो। तो हमें क्या याद रखना है, पेट्रोल के इंजन के अंदर इग्निशन के लिए हम स्पार्क प्लग का यूज करते हैं, डीजल इंजन के अंदर इग्निशन के लिए, जलाने के लिए फ्यूल को या इंजन को स्टार्ट करने के लिए हम फ्यूल इंजेक्टर का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो पिस्टन है वो एक रॉड से कनेक्ट किया गया होता है, वो रॉड को हम बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। और ये कनेक्टिंग रॉड जो है वो एक दूसरे छोटे से रॉड के साथ कनेक्ट किया गया होता है, जिसे हम बोलते हैं क्रैंक। अब जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आएगा, तब ये क्रैंक अपना हाफ रोटेशन खत्म करेगा। ये क्रैंक है तो ये क्रैंक घूम के यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये जो क्रैंक की पोजीशन है इसे हम टीडीसी बोल देंगे। और ये जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आएगा तब क्या होगा, ये क्रैंक घूम के यहाँ पे कुछ आ जाएगा और ये पोजीशन को हम बीडीसी बोल देंगे। यानी पिस्टन जब ऑसिलेट करेगा सिलेंडर के अंदर, तब क्रैंक रोटेशन करेगा। अच्छा, अब ये जो क्रैंक है वो एक शाफ्ट के साथ कनेक्ट किया गया होता है, जिसे हम मेन शाफ्ट बोलते हैं। मेन शाफ्ट यानी क्या कि ऐसा शाफ्ट जिसके ऊपर हम पावर प्रोड्यूस करते हैं। कैसा पावर प्रोड्यूस करते हैं? यहाँ पे क्या होगा, कंबशन होगा, कंबशन के कारण कुछ पावर प्रोड्यूस होगा। ये पावर कहाँ पे ट्रांसमिट होगा? पिस्टन पे। पिस्टन नीचे आएगा, कनेक्टिंग रॉड पे अब ट्रांसमिट होगा, फिर क्रैंक पे ट्रांसमिट होगा। क्रैंक घूम रहा है तो ये जो क्रैंक की रोटेशन है वो रोटेशन किस पे ट्रांसमिट होगी? मेन शाफ्ट पे ट्रांसमिट होगी, यानी मेन शाफ्ट पे पावर प्रोड्यूस होगा। और ये जो मेन शाफ्ट है वो पीछे के टायर पे लगा हुआ होता है, जिसके ऊपर टायर होता है। तो ये मेन शाफ्ट जब घूमना शुरू करेगा तब हमारा पीछे का टायर चलेगा और हमारा व्हीकल रन होगा। ठीक है, अब हमने देखा कि ये क्रैंक क्या करता है, रोटेट होता रहता है। अब क्रैंक को हमें एक सेफ्टी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसे हम एक कवर में रखेंगे। और ये कवर जो कि क्रैंक को सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है, उसे हम बोल देंगे क्रैंक केस। ठीक है, तो ये जो सारे पार्ट थे वो इसके मेजर पार्ट थे। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने की शुरुआत करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो यहाँ पे हमें फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है। तो शुरुआत करते हैं थियरी की। तो सबसे पहले तो हम फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का मतलब समझ लेते हैं। तो सबसे पहले वर्ड हम लेंगे फोर स्ट्रोक। अब फोर स्ट्रोक का मतलब क्या हुआ कि ऐसा इंजन जिसमें क्रैंक जो है हमारा, ये क्रैंक, क्रैंक ये रहा, क्रैंक ये, क्रैंक ये, क्रैंक ये, क्रैंक जो पहले हम देख चुके हैं, जब क्रैंक हमारा दो रोटेशन खत्म करता है, ठीक है, दो रोटेशन यानी ये एक रोटेशन, ये दूसरा रोटेशन, दो रोटेशन खत्म करने पर हमें एक पावर स्ट्रोक मिलता है।
तो ऐसे इंजन को हम फोर स्ट्रोक इंजन बोल देंगे। फोर स्ट्रोक इंजन यानी क्या, क्रैंक दो रोटेशन खत्म किया, वो दो रोटेशन में एक पावर स्ट्रोक मिला। अब कैसे मिला वो तो बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल याद रखने के लिए मैंने ये लाइन लिखवा दी, क्या क्रैंक जब दो रोटेशन खत्म करेगा तब एक पावर स्ट्रोक मिलेगा। ठीक है, अब पेट्रोल इंजन का मतलब समझ लेते हैं। पेट्रोल इंजन यानी क्या, पेट्रोल इंजन यानी ऐसा इंजन जिसके अंदर हम स्पार्क प्लग का यूज करते हैं फ्यूल को जलाने के लिए। ठीक है, तो ये दो चीज याद रखना, फोर स्ट्रोक यानी दो रोटेशन क्रैंक के एक पावर स्ट्रोक, पेट्रोल इंजन यानी स्पार्क प्लग का यूज किया। ठीक है, अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर इंजन हमारा फोर स्ट्रोक है या टू स्ट्रोक है, कोई भी इंजन में हमेशा नंबर ऑफ स्ट्रोक चार होते हैं। यानी कितने स्ट्रोक होते हैं, हर एक इंजन में चार स्ट्रोक होते हैं। कौन सा स्ट्रोक होता है, सबसे पहला सक्शन स्ट्रोक होता है, दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा पावर स्ट्रोक और चौथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। और ये जो चार स्ट्रोक है इनके सीक्वेंस भी फिक्स होते हैं, यानी कि सक्शन के बाद कंप्रेशन ही आएगा, कंप्रेशन के बाद पावर स्ट्रोक ही होगा और पावर स्ट्रोक के बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक ही आएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं सक्शन स्ट्रोक से। तो सक्शन स्ट्रोक के अंदर हम बोलेंगे कि पिस्टन टीडीसी पे है। जब पिस्टन टीडीसी पे होता है तब इनलेट वाल्व जो होता है वो खुला हुआ होता है। अब इनलेट वाल्व खुला हुआ होता है जिसके कारण हम एटमॉस्फेयर में से प्योर एयर एंड फ्यूल मिक्सचर, जिसे हम फ्रेश चार्ज बोलते हैं, वो हम सिलेंडर में ले लेंगे। ठीक है, अब सिलेंडर में आ गया है प्योर एयर एंड फ्यूल मिक्सचर, और पिस्टन जो है हमारा, ये पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जा रहा है। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाएगा तब ये क्रैंक भी अपनी हाफ रोटेशन खत्म करेगा, क्योंकि क्रैंक भी अभी ये टीडीसी पोजिशन पे है। क्रैंक, ये पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी आएगा तो क्रैंक भी टीडीसी से बीडीसी जाएगा, यानी ये पोजीशन पे आ जाएगा। यहां से निकला पिस्टन, ऐसे करके यहां आया तो ये हो गया, ये पोजीशन आ गया। ठीक है, यानी क्रैंक ने कितने रोटेशन खत्म किए, क्रैंक ने हाफ रोटेशन खत्म किया। वापस एक बार, ये टीडीसी है, टीडीसी से पिस्टन जा रहा है नीचे, तो ये क्रैंक BDC जाएगा, यानी यहां से लेके यहां तक हाफ रोटेशन क्रैंक ने खत्म कर लिया। और ये हाफ रोटेशन के दौरान क्या हुआ, ये हाफ रोटेशन के दौरान यहां से हमने प्योर एयर एंड फ्यूल मिक्सचर को शक किया, जिसके कारण इसे हम सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां से टीडीसी से ये बीडीसी, तो ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि जब पिस्टन बीडीसी पे होगा, या फिर बोल लो सक्शन स्ट्रोक जब खत्म हो गया होगा, तब इनलेट और आउटलेट वाल्व दोनों बंद हो चुके होंगे। अब क्रैंक जो है अपनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण, आई रिपीट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण क्या करेगा, वापस से बीडीसी से टीडीसी जाएगा, यानी पिस्टन बीडीसी से अब टीडीसी जाने वाला है। जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाएगा, ऐसे करके ऐसे जब जाएगा, ऐसे करके ऐसे जब जाएगा, तब पिस्टन जो है वो यहाँ पे जो एयर एंड फ्यूल मिक्सचर हमने लिया हुआ था सक्शन स्ट्रोक में, उसे दबाना शुरू कर देगा, यानी उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देगा। कहां तक, टीडीसी तक, यानी यहां से ये बीडीसी से टीडीसी गया, तो यहां पे मैं आ गया, ये आ गया। वापस एक बार, बीडीसी से टीडीसी गया, ये आ गया यहां पे। ठीक है, तो जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाएगा तब क्या करेगा, तब कंप्रेशन करेगा, किसका, ये एयर एंड फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करेगा, इसलिए हम इसे बोल देंगे कंप्रेशन स्ट्रोक। यानी कंप्रेशन स्ट्रोक कहां से कहां होगा, बीडीसी से टीडीसी में, बीडीसी से टीडीसी में। तो बीडीसी से टीडीसी जाने पर, वापस एक बार, बीडीसी से टीडीसी जाने पर वापस से क्रैंक ने कितने रोटेशन खत्म कर दिए, अपने हाफ रोटेशन। यानी कंप्रेशन स्ट्रोक के लिए कितने रोटेशन जरूरी है, हाफ रोटेशन, सक्शन के लिए हाफ रोटेशन, कंप्रेशन के लिए हाफ रोटेशन, यानी कि हाफ प्लस हाफ वन रोटेशन हो गया है। हमें पावर स्ट्रोक कब मिलेगा फोर स्ट्रोक इंजन में, जब क्रैंक दो रोटेशन खत्म करेगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहां से कंप्रेशन हो गया, यहाँ पे आ गया टीडीसी पे, अब हम क्या बोलेंगे कि कंप्रेशन स्ट्रोक जब खत्म हो गया है, या फिर बोल लो जब पिस्टन टीडीसी पे है, तब यहाँ पे जो एयर एंड फ्यूल मिक्सचर है उसका टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा हाई है, क्यों, कंप्रेशन स्ट्रोक में प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज किया था, तो यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ एयर एंड फ्यूल मिक्सचर इज एक्सट्रीमली हाई, बहुत सारा प्रेशर और टेम्परेचर है उसका। तो ऐसे हाई प्रेशर और टेम्परेचर में अगर हम स्पार्क प्लग की हेल्प से थोड़ी सी एक स्पार्क दे दे, चिंगारी दे दे, तो क्या हो जाएगा, चिंगारी देने के कारण क्या होगा, ब्लास्ट होगा।
या फिर आप बोलो कंबशन होगा। कंबशन होने के कारण ये पिस्टन कहाँ जाएगा, टीडीसी से बीडीसी जाएगा, यानी पिस्टन अब टीडीसी से बीडीसी जाएगा। टीडीसी से बीडीसी क्यों जा रहा है, क्योंकि सर ये जो सिलेंडर है इसके ऊपर की साइड पावर प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसे हम पावर स्ट्रोक बोलते हैं। तो पावर स्ट्रोक कहां से कहां तक होगा, टीडीसी से लेके बीडीसी तक, यहां तक। वापस एक बार, टीडीसी से लेके बीडीसी तक, यहां तक। यानी पावर स्ट्रोक में वापस से क्रैंक हाफ रोटेशन घूमेगा। तो पावर स्ट्रोक के लिए कितने रोटेशन चाहिए, हाफ रोटेशन। अब इसे हम वर्किंग स्ट्रोक भी बोलते हैं। क्यों वर्किंग स्ट्रोक, क्योंकि यही स्ट्रोक के कारण मेन शाफ्ट पे पावर प्रोड्यूस होता है, हमारा इंजन वर्क करता है, ठीक है। इसे एक्सपांशन स्ट्रोक भी बोला जाता है, ठीक है। अब पावर स्ट्रोक खत्म हो गया, यानी पिस्टन बीडीसी पे आ गया। अब पिस्टन जब बीडीसी पे आया या फिर पावर स्ट्रोक खत्म हुआ, तब आउटलेट वाल्व जो है हमारा वो खुल जाएगा। अब आउटलेट वाल्व खुल जाएगा और ये जो सिलेंडर है इसके अंदर क्या है, अब बर्न्ड पार्टिकल है, जले हुए पार्टिकल से। क्यों, यहाँ पे हमने स्पार्क करके कंबशन कराया था, पार्टिकल को फ्यूल को जला दिया था, तो यहाँ पे जले हुए पार्टिकल आ गए। अब ये जो पिस्टन है ये क्रैंक जो है अपनी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण अपनी रोटेशन चालू रखेगा, तो ये पिस्टन कहाँ जाएगा, अब ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो इसके अंदर जो बर्न्ड पार्टिकल्स होंगे वो वापस कहाँ चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। यानी कि हेक्सोस्ट्रोक होने के लिए कितने रोटेशन जरूरी है क्रैंक के, यहां से ऐसे जाएगा, यहां से ऐसे, यानी यहां पे वापस आ गए, ठीक है। तो यहां से ऐसे गए यानी बीडीसी से टीडीसी गया, तो हेक्सोस्ट्रोक के लिए भी कितने रोटेशन चाहिए, हाफ रोटेशन चाहिए। और बाद में ये जब टीडीसी पे चला जाएगा, टीडीसी पे चला जाएगा, तो वापस से ये इनलेट वाल बंद हो जाएगा, आउटलेट वाल बंद हो जाएगा, इनलेट वाल खुल हो जाएगा, खुल जाएगा तो सक्शन स्ट्रोक शुरू हो जाएगा और ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे क्रैंक कितनी बार घुमा, सक्शन के लिए हाफ, कंप्रेशन के लिए हाफ, पावर के लिए हाफ और एग्जॉस्ट के लिए हाफ। तो टोटल अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, दो। यानी क्रैंक दो रोटेशन घूम चुका है और उसमें हमें कितने पावर स्ट्रोक मिले हैं, सर एक पावर स्ट्रोक मिल चुका है, ठीक है। इसलिए हम इसे बोल देंगे वर्किंग प्रिंसिपल किसका, फोर स्ट्रोक इंजन का। और यही इंजन में हमने क्या यूज किया है, स्पार्क प्लग यूज किया है। यहाँ आप बना देना सब जगह एसपीएसपी लिख के स्पार्क प्लग अच्छे से लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्पार्क प्लग का यूज किया है, इसका मतलब ये वर्किंग प्रिंसिपल किसका हो गया, पेट्रोल इंजन का। सो कंबाइंड अगर बोले तो ये वर्किंग प्रिंसिपल किसका हो गया, ये हो गया फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब ये चार डायग्राम और सबके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम बनाना भी जरूरी है। यहाँ पे हमने क्या किया, 0 to 1 यानी सक्शन प्रोसेस हुई, सक्शन प्रोसेस हुई, फिर क्या हुआ, प्रेशर बढ़ता गया, कंप्रेशन प्रोसेस हुई। जब पिस्टन टीडीसी पे है तब हम क्या बोल देंगे, हम स्पार्क अप्लाई कर रहे हैं, यानी हम क्या दे रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, और ये हीट सप्लाई हम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख लूंगा वॉल्यूम टू जो है, पॉइंट नंबर टू का वॉल्यूम वही वॉल्यूम पॉइंट नंबर थ्री का है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो याद रखना पेट्रोल इंजन का दूसरा नाम है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे हीट सप्लाई करते हैं, स्पार्क देते हैं। अब स्पार्क दिया तो क्या होगा, पावर स्ट्रोक यानी वॉल्यूम बढ़ेगा, ऐसे करके नीचे आएगा तो सिलेंडर का वॉल्यूम बढ़ेगा और बाद में एग्जॉस्ट हो जाएगा, यानी बर्न पार्टिकल निकल जाएंगे, ठीक है। अब अगर आपको फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आया है अच्छे से, तो आप आसानी से फोर स्ट्रोक डीजल इंजन का भी वर्किंग प्रिंसिपल समझ सकते हो। कैसे, तो सपोज अब ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, डीजल इंजन, फोर स्ट्रोक डीजल इंजन, तो ये चार फिगर तो आनी ही आनी है, ठीक है। और वो जो भी डिस्क्रिप्शन लिखा हमने वो भी आना ही आना है। क्यों, क्योंकि कौन सा इंजन है, फोर स्ट्रोक इंजन। फोर स्ट्रोक इंजन यानी क्या, क्रैंक दो रोटेशन खत्म करेगा तब एक पावर स्ट्रोक मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्रैंक दो रोटेशन खत्म किया, एक पावर स्ट्रोक मिला, यानी फोर स्ट्रोक इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल तो लिख लिया। अब हमें किसका लिखना है वर्किंग प्रिंसिपल, हमें लिखना है डीजल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल। अब पेट्रोल इंजन में क्या यूज किया था, स्पार्क प्लग, तो जो भी वर्किंग प्रिंसिपल लिखा है, जहां जहां भी स्पार्क प्लग बनाया है, जहां जहां भी स्पार्क प्लग लिखा है थियोरी में, वहां वहां हमें क्या लिखना है, स्पार्क प्लग की जगह फ्यूल इंजेक्टर लिख लेना है, बस। बाकी ए टू जेड चीज सेम आएगी। फ्यूल इंजेक्टर क्या करेगा, जब पिस्टन टीडीसी पे होगा तब प्रेशर और टेम्परेचर किसका, एयर का बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो उसमें हम फ्यूल इंजेक्टर से डीजल को इंजेक्ट करेंगे, जिसके कारण पावर प्रोड्यूस होगा, कंबशन स्टार्ट होगा।
एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, सक्शन स्ट्रोक में हमने पेट्रोल इंजन के अंदर कौन सी चीज ली थी, एयर और फ्यूल मिक्सचर यहां से, लेकिन डीजल इंजन के लिए जो हमारा इंजन है डीजल इंजन उसमें हम क्या लेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ एयर ले लेंगे। क्यों एयर ही लेंगे, क्योंकि यहां पे फ्यूल को भी तो इंजेक्ट कराएंगे तो कंबशन होगा, फ्यूल और एयर मिक्स होगा। तो ये दो डिफरेंस याद रखना, पहला डिफरेंस कौन सा कि जहां भी स्पार्क प्लग है फ्यूल इंजेक्टर कर दो, बाद में कौन सा डिफरेंस सक्शन स्ट्रोक में पेट्रोल इंजन के अंदर फ्यूल और एयर मिक्सचर एंटर कराया था तो डीजल इंजन में सिर्फ और सिर्फ एयर ही एंटर कराएंगे, बाकी वर्किंग प्रिंसिपल सेम। और ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम के अंदर जो हमने कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बताई है उसकी जगह पे हमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बता देनी है। ये हो गया 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये हीट सप्लाई हो गया, ये हीट रिजेक्शन हो गया, ये हो गया प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। ये पॉइंट का जो प्रेशर है P2 वही प्रेशर किसका होगा, पॉइंट नंबर 3 का। तो कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस लिखनी है। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस यानी कौन सी प्रोसेस, कौन सी साइकिल, तो मैं बोल दूंगा डीजल साइकिल, और कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कौन सी साइकिल, तो मैं बोल दूंगा पेट्रोल साइकिल। So I hope post of petrol engine or diesel engine clear हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में कई बार differences भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे important difference देख लेते हैं जो के है differentiate between petrol engine and diesel engine का difference। तो फर्स्ट डिफरेंस हम देख सकते हैं कि पेट्रोल इंजन में क्या यूज होता है, पेट्रोल डीजल इंजन में डीजल यूज होता है। नेक्स्ट है पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक में हम क्या लेते थे, प्योर एयर और फ्यूल का मिक्सचर, और डीजल इंजन में हम क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्योर एयर। नेक्स्ट है पेट्रोल इंजन में हम क्या यूज करते थे, स्पार्क प्लग, और डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर का यूज करते थे। अब पेट्रोल इंजन जो है, जो हमने पीवी डायग्राम बनाया था उसमें मैंने बोला था पेट्रोल इंजन कैसा इंजन है, कांस्टेंट वॉल्यूम इंजन है या कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है, और डीजल इंजन होगा कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। नेक्स्ट है ये जो पेट्रोल इंजन है उसका दूसरा नाम है SI इंजन यानी स्पार्क इग्निशन इंजन, स्पार्क से हम इग्नाइट करते हैं, और डीजल इंजन कौन सा है, कंप्रेस्ड इग्निशन यानी प्रेशर बढ़ा के एयर का हम उसे इग्नाइट करते हैं, किसको, डीजल को, तो CI इंजन हो गया कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन। नेक्स्ट है ये जो पेट्रोल इंजन है वो कितने प्रेशर पे वर्क करती है, तो 10 बार प्रेशर पे वर्क करती है, बहुत कम प्रेशर होता है, जबकि डीजल इंजन 33 बार प्रेशर पे वर्क करती है। अब ये 10 बार प्रेशर पे वर्क करती है तो इतना प्रेशर हम आसानी से जनरेट कर सकते हैं, जिसके कारण पेट्रोल इंजन के स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, जबकि डीजल इंजन को अगर हमें स्टार्ट करना है तो 33 बार जितना प्रेशर हमें क्रिएट करना होता है, जिसके कारण डीजल इंजन के स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है। अब जो कंप्रेशन रेशियो होता है पेट्रोल इंजन का वो देखेंगे बाद में क्या होता है कंप्रेशन रेशियो, फिलहाल एक पॉइंट देख लेते हैं। कंप्रेशन रेशियो जो होता है पेट्रोल इंजन का वो 8 से 12 के बीच में होता है, और डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा होता है, 14 से 25 के बीच में होता है। अब पेट्रोल इंजन के अंदर फ्लाईव्हील का साइज बहुत छोटा होता है, क्यों, प्रेशर कम जनरेट करना पड़ता है, और डीजल इंजन के अंदर फ्लाईव्हील का साइज ज्यादा होता है, क्यों, प्रेशर ज्यादा जनरेट करना पड़ता है। अब फ्लाईव्हील का साइज कम है पेट्रोल इंजन में तो वेट जो होगा वो इंजन का कम हो जाएगा, डीजल इंजन में क्या है फ्लाईव्हील का साइज बड़ा है तो वेट जो है डीजल इंजन का ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है पेट्रोल जो इंजन जो है वो कम पॉल्यूशन करता है और डीजल इंजन ज्यादा पॉल्यूशन करता है, पेट्रोल इंजन में नॉइस का जो प्रोडक्शन है वो कम रहता है और डीजल इंजन में नॉइस का प्रोडक्शन ज्यादा रहता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है 4-स्ट्रोक इंजन और 2-स्ट्रोक इंजन के बीच का, बहुत बार पूछ लेते हैं तो देख लेते हैं। 4-स्ट्रोक इंजन में हमने क्या देखा था, जब क्रैंक 2 रोटेशन खत्म करता है तब हमें 1 पावर स्ट्रोक मिलता है। अब 2-स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि जब क्रैंक 1 रोटेशन खत्म करता है तभी हमें 1 पावर स्ट्रोक मिल जाता है, यानी 1 रोटेशन में कितने स्ट्रोक आएंगे, 4 स्ट्रोक आएंगे। यहां पे 2 रोटेशन में कितने स्ट्रोक आए थे, 4 स्ट्रोक आए थे, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ठीक है। अब जब हम 2-स्ट्रोक इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे 1 रोटेशन के अंदर 4 स्ट्रोक हमें समझाने होंगे। यहां पे हमने क्या किया था, हाफ रोटेशन सक्शन, हाफ रोटेशन कंप्रेशन, हाफ रोटेशन पावर और हाफ रोटेशन एग्जॉस्ट। अब यहां पे 1 रोटेशन में 4 स्ट्रोक हमें समझाने हैं, देख लेंगे बाद में।
नेक्स्ट है फोर स्ट्रोक इंजन में हमने इनलेट वाल और आउटलेट वाल का यूज किया था, यानी फोर स्ट्रोक इंजन में हम वाल का यूज करते थे। अब टू स्ट्रोक इंजन में हम वाल का यूज करने वाले नहीं है, हम यूज करेंगे पोर्ट्स का। यहाँ पे लिखा है पोर्ट्स आर यूज, पोर्ट यानी क्या, ओपन पाइप, ठीक है, पोर्ट यानी ओपन पाइप। ठीक, कौन से पोर्ट आएंगे, इनलेट पोर्ट आएगा, आउटलेट पोर्ट आएगा और ट्रांसफर पोर्ट आने वाला है। ठीक, नेक्स्ट, ये जो फोर स्ट्रोक इंजन है उसमें हमें वाल को ओपन और क्लोज करना जरूरी है। ठीक है, हमने देखा था सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल ओपन था, कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों वाल बंद थे, पावर स्ट्रोक में भी दोनों वाल बंद थे और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में आउटलेट वाल खुला था, इनलेट वाल बंद था। तो अब ये ओपन और क्लोज हम कैसे करें, तो उसके लिए हम एक मैकेनिज्म का यूज करते हैं जो कि होता है कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म। कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म वाल को ऑपरेट करती है, ओपन और क्लोज करती है। अब टू स्ट्रोक इंजन में कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं, क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि टू स्ट्रोक इंजन में हम वाल का यूज करते ही नहीं है, हम तो पोर्ट का यूज करते हैं। पोर्ट क्या है, ओपन पाइप है। ठीक है, बंद चालू करने की जरूरत है नहीं, तो कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म का यूज होगा नहीं टू स्ट्रोक इंजन में। ठीक है, अब ये जो फोर स्ट्रोक इंजन है उसके अंदर फ्लाईव्हील का जो साइज होता है वो साइज बड़ा होता है और यहाँ पे फ्लाईव्हील का साइज छोटा होता है। अब यहाँ पे कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म भी यूज हुआ है, फ्लाईव्हील का साइज भी बड़ा है, जिसके कारण फोर स्ट्रोक इंजन का साइज बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म का यूज नहीं किया है, फ्लाईव्हील का साइज छोटा है, जिसके कारण टू स्ट्रोक इंजन का साइज कम हो जाएगा। अगर टू स्ट्रोक इंजन का साइज कम है तो उसका वेट भी कम हो जाएगा। यहाँ पे साइज इंजन का ज्यादा है और यहाँ पे फ्लाईव्हील का साइज ज्यादा है और दूसरा हमने क्या बोला, कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म है, तो उसका साइज बड़ा होगा और साइज बड़ा होने के कारण उसका वेट भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जो हमने फोर स्ट्रोक इंजन यूज किए थे उसके अंदर हमने यूज किया था किसका, हमने यूज किया था पिस्टन का। वो पिस्टन कैसा हमने लिया था, जिसका जो फेस था, ये फेस था, ये कैसा है, फ्लैट फेस है। ठीक है, और जो भी हम यूज करेंगे पिस्टन किसमें, टू स्ट्रोक इंजन में, उसका जो फेस होगा वो ऐसे फ्लैट नहीं होगा लेकिन कुछ ऐसे करके ऐसे होगा। ठीक है, तो ये जो शेप है, ये जो शेप है, इसे हम एरोफॉइल हेड ऑफ पिस्टन बोलते हैं। एरोफॉइल का हम शेप का यूज करेंगे, क्यों, जब वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे तब समझ लेंगे, लेकिन फिलहाल क्या याद रखोगे, फोर स्ट्रोक इंजन में फ्लैट फेस हेड यूज करेंगे, यहाँ पे एरोफॉइल हेड यूज करेंगे टू स्ट्रोक इंजन में। ठीक है, अच्छा, अब ये जो फोर स्ट्रोक इंजन है उसका एफिशिएंसी जो है, थर्मल एफिशिएंसी, वो ज्यादा है कंपेयर टू टू स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक इंजन का एफिशिएंसी कम होता है। ठीक है, अब एफिशिएंसी ज्यादा है और साइज भी ज्यादा है इंजन का, तो कॉस्ट ज्यादा है फोर स्ट्रोक का और टू स्ट्रोक का कॉस्ट कम है। और आखिर में ये जो फोर स्ट्रोक है उसमें हमने एक्स्ट्रा कौन सी चीज यूज करी है, हमने कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म यूज किया है, जिसके कारण फोर स्ट्रोक इंजन का मेंटेनेंस जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेंटेनेंस ऑफ टू स्ट्रोक इंजन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है और थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी है, जो कि है एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। अब वापस से अगर हमें टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का वर्किंग समझ में आ गया तो टू स्ट्रोक डीजल का एकदम आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का जो भी वर्किंग प्रिंसिपल होगा वही टू स्ट्रोक डीजल इंजन का होगा। फर्क क्या होगा, जो हमने पहले देख लिया, पहला फर्क क्या था कि सक्शन स्ट्रोक में पेट्रोल इंजन के अंदर हम प्योर एयर एंड फ्यूल मिक्सचर लेते हैं और डीजल इंजन के अंदर सक्शन स्ट्रोक में सिर्फ और सिर्फ एयर ही हम लेंगे। दूसरा डिफरेंस क्या होगा कि पेट्रोल इंजन में हम स्पार्क प्लग का यूज करते हैं तो डीजल इंजन में हम फ्यूल इंजेक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, तो पेट्रोल और डीजल का तो मीनिंग समझ में आ गया। अब समझते हैं टू स्ट्रोक इंजन यानी क्या। तो फोर स्ट्रोक इंजन हमने समझा था कि जब क्रैंक दो रोटेशन खत्म करता है तब हमें एक पावर स्ट्रोक मिलता है, जिसे हम फोर स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। टू स्ट्रोक इंजन यानी क्या, क्रैंक जब एक ही रोटेशन खत्म करता है तब हमें एक पावर स्ट्रोक मिलता है, जिसे हम टू स्ट्रोक इंजन बोल देंगे। ठीक है, यानी फोर स्ट्रोक के अंदर क्रैंक जब दो बार घूमता है तब एक पावर स्ट्रोक मिलता है और फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर जब क्रैंक दो बार घूमता है तब चार स्ट्रोक आते हैं, सक्शन, कॉम्प्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। टू स्ट्रोक के अंदर जब क्रैंक एक ही बार घूमेगा तब चार स्ट्रोक आएंगे, सक्शन, पावर, कंप्रेशन और
एग्जोस्ट, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जोस्ट। ठीक है, कैसे समझने की पहले कोशिश करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, क्या फोर स्ट्रोक में क्रैंक दो बार घूमेगा एक पावर स्ट्रोक, टू स्ट्रोक में क्रैंक एक बार घूमेगा एक पावर स्ट्रोक, कैसे देख लेते हैं। तो एग्जाम में ये दो फिगर बना के आनी है आपको, यहाँ पे लिख लेना है स्ट्रोक वन, यहाँ पे लिख लेना है स्ट्रोक टू। अब स्ट्रोक वन में क्या होगा वो डिस्क्राइब करना है, स्ट्रोक टू में क्या होगा वो डिस्क्राइब करना है, कैसे देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फोर स्ट्रोक इंजन में हमने वाल्व का यूज किया था, यहाँ पे टू स्ट्रोक में वाल्व का यूज करने वाले नहीं है, हम क्या यूज करेंगे पोर्ट का यूज, पोर्ट यानी ओपन पाइप। कौन से पोर्ट यूज करेंगे, पहले तो हम ये इनलेट पोर्ट का यूज कर लेंगे, आप देख सकते हो ओपन पाइप है, दूसरा आउटलेट पोर्ट का यूज कर लेंगे, और तीसरा ये जो ओपन पाइप दिख रही है ये ट्रांसफर पोर्ट का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लूं नाम, इसे हम बोल देंगे ट्रांसफर पोर्ट का यूज करेंगे जो कि ओपन पाइप है। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस तो क्लियर, फोर स्ट्रोक इंजन में वाल्व का यूज होता था, यहाँ पे पोर्ट का यूज होगा, इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट। ठीक है, दूसरा क्या डिफरेंस देखा था कि फोर स्ट्रोक इंजन में हमने जो भी पिस्टन लिया था उसका हेड कैसा था, फ्लैट था। ठीक है, और टू स्ट्रोक इंजन में हम जो भी पिस्टन लेंगे उसका हेड कैसा होगा, एरोफॉइल शेप का। तो ये एरोफॉइल शेप का आप देख सकते हो पिस्टन का हेड। ठीक है, क्यों बाद में समझ लेंगे। ठीक है, चलो अब शुरुआत करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की। तो सबसे पहले तो हम क्या बोल देंगे कि जब पिस्टन टीडीसी पे होगा तब इनलेट पोर्ट तो खुला हुआ होगा, तो इनलेट पोर्ट खुला हुआ है तो जो भी एयर एंड फ्यूल मिक्सचर है वो इनलेट पोर्ट में से कहां जाएगा, वो जाएगा क्रैंक केस में। ठीक है, और जब ये जो एयर एंड फ्यूल मिक्सचर है क्रैंक केस में जाएगा तब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी ट्रैवल करेगा। ठीक है, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी ट्रैवल करेगा तब मैं क्या बोल सकता हूँ, क्रैंक अपना हाफ रोटेशन भी खत्म कर लेगा, ये पहले यहां था यहां से यहां आया, हाफ रोटेशन खत्म कर लिया, यानी सक्शन स्ट्रोक हमारा हो गया। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे लिख लेता हूं सक्शन स्ट्रोक हमारा हो गया। ठीक है, सक्शन स्ट्रोक हो गया, कितना रोटेशन लिया इसने, हाफ रोटेशन लिया। वापस एक बार, इनलेट पोर्ट खुला हुआ था, एयर एंड फ्यूल मिक्सचर क्रैंक केस में आया, क्रैंक घुमा, पिस्टन नीचे आया, हाफ रोटेशन खत्म हुआ, सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो गए। ठीक है, ठीक है, अब पिस्टन कहाँ पे है, बीडीसी पे है। ठीक, अब जब पिस्टन बीडीसी पे आएगा तब क्या होगा, शुरुआत में हमने क्या लिया था, इसके अंदर हमने लिया था एयर एंड फ्यूल मिक्सचर। ठीक है, अब क्रैंक तो घूम चुका है, पिस्टन नीचे आ चुका है, यानी अब पिस्टन जो है ये जो एयर एंड फ्यूल मिक्सचर है उस पे प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, थोड़ा बहुत 50% प्रेशर अप्लाई करेगा, कितना 50% प्रेशर, 100% नहीं, 50% प्रेशर अप्लाई करेगा, जिसके कारण ये जो प्रेशर की प्रोसेस जो है इसे हम पार्शियल प्रेशर प्रोसेस बोल देंगे। ठीक है, क्या बोलते थे, सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक हुआ, यहाँ पे एयर एंड फ्यूल मिक्सचर आ गया, यहाँ पे आ गया, अब पिस्टन क्या करेगा, यहाँ पे 50% प्रेशर इंक्रीज करेगा एयर एंड फ्यूल मिक्सचर का, जिसे हम कंप्रेशन स्ट्रोक नहीं बोलेंगे, कंप्रेशन स्ट्रोक कब बोलेंगे, जब 100% प्रेशर इंक्रीज करे, यहाँ पे पिस्टन कितना प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, 50%, तो ये स्ट्रोक नहीं है, ये प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है, पार्शियल कंप्रेशन प्रोसेस, पार्शियल यानी 50% कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल कंप्रेशन प्रोसेस हो गया, अब यानी कि यहाँ पे जो एयर एंड फ्यूल मिक्सचर है उस पे प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब ये जो एयर एंड फ्यूल मिक्सचर है जिसके ऊपर ज्यादा प्रेशर है वो एयर एंड फ्यूल मिक्सचर अब यहां से भागने की कोशिश करेगा, यहां से एस्केप होने की कोशिश करेगा, और एस्केप होके ये कहां पे आ जाएगा, पिस्टन के ऊपर की साइड आ जाएगा। शायद इतना समझ में आ गया होगा, क्या बोले वापस एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला, इनलेट पोर्ट में से आया एयर एंड फ्यूल मिक्सचर, सक्शन स्ट्रोक खत्म, हाफ रेवोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, पार्शियल कंप्रेशन प्रोसेस। पार्शियल कंप्रेशन प्रोसेस के कारण क्या होगा, ये ट्रांसफर पोर्ट में से जो भी एयर एंड फ्यूल मिक्सचर है वो होता हुआ पिस्टन के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा, बाद में क्या होगा, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाएगा, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाएगा। जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाएगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे एयर एंड फ्यूल मिक्सचर आ चुका है तो ये एयर एंड फ्यूल मिक्सचर पे कंप्रेस प्रेशर बढ़ाता जाएगा, यानी अब जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाएगा ऐसे करके ऐसे जाएगा तब वो कौन सा स्ट्रोक होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, यानी यहां पे मैं लिख लेता हूं क्या, कंप्रेशन स्ट्रोक हुआ, हाफ रोटेशन लगे। ठीक है, ऐसे करके ऐसे, यहाँ पे क्या हुआ, सक्शन स्ट्रोक, पार्शियल कंप्रेशन प्रोसेस, कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, यानी क्या बोला, सक्शन के लिए सर हाफ, कंप्रेशन के लिए हाफ, हाफ प्लस हाफ वन, रोटेशन तो हो गया सर इसका क्रैंक का।
अब वन रोटेशन हो गया तो हमें एक पावर स्ट्रोक मिलना चाहिए, मिला तो नहीं, कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि पिस्टन अब यहाँ पे आ चुका है, पिस्टन अब यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एयर एंड फ्यूल मिक्सचर का एक्सट्रीमली हाई प्रेशर है। ठीक है, एयर एंड फ्यूल का एक्सट्रीमली हाई प्रेशर है। किया क्या हमने, सक्शन स्ट्रोक में आया, पार्शियल कंप्रेशन प्रोसेस हुआ, ऊपर चला गया, कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा हो गया। यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रोक में प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, स्पार्क प्लग क्या करेगा, स्पार्क करेगा, इतने ज्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर के एयर एंड फ्यूल मिक्सचर में स्पार्क किया तो क्या होगा सर, ब्लास्ट होगा, पावर स्ट्रोक बनेगा, यानी पिस्टन कहां से कहां जाएगा, टीडीसी से बीडीसी जाएगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से एक बात, पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी जा रहा है, क्यों जा रहा है पिस्टन टीडीसी से बीडीसी, क्योंकि सर ऊपर पावर स्ट्रोक चल रहा है, ऊपर कौन सा स्ट्रोक चल रहा है, पावर स्ट्रोक चल रहा है, और सर नीचे कौन सा स्ट्रोक चल रहा है, मैं बोलूंगा नीचे सक्शन स्ट्रोक चल रहा है। क्यों सक्शन स्ट्रोक चल रहा है, बिकॉज इनलेट पोर्ट इज ओपन, सो इनलेट पोर्ट ओपन है तो पिस्टन ऐसे आ रहा है, क्यों सर पावर स्ट्रोक चल रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरी एक बात, टीडीसी से बीडीसी का अगर डिस्टेंस में 100% मानू, टीडीसी से बीडीसी का डिस्टेंस 100% मानू, तो टीडीसी से लेके ये जो आउटलेट पोर्ट का इतना जो डिस्टेंस है, पिस्टन ऐसे करके ऐसे आएगा, ये डिस्टेंस होगा 20%। ठीक है, यानी कि पावर स्ट्रोक शुरू हो गया, पावर स्ट्रोक शुरू होने के बाद जब पिस्टन 20% डिस्टेंस नीचे आता है, 100 नहीं 20% डिस्टेंस नीचे आता है, तब क्या होगा, आउटलेट पोर्ट खुल जाएगा, आउटलेट पोर्ट खुल जाएगा, यानी बर्न पार्टिकल एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी पावर स्ट्रोक के जस्ट बाद कौन सा स्ट्रोक हो जाएगा, पावर स्ट्रोक के जस्ट बाद हेक्सो स्ट्रोक हो जाएगा, और जब पावर स्ट्रोक चल रहा होगा, हेक्सो स्ट्रोक चल रहा होगा, तब नीचे कौन सा स्ट्रोक चल रहा होगा, सक्शन स्ट्रोक चल रहा होगा। ठीक है, यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं एक ही टाइम पे तीन स्ट्रोक हो रहे हैं, कौन से सर, सक्शन नीचे चल रहा है, ऊपर ये नीचे क्यों आ रहा है पिस्टन, ऊपर सर पावर 20% डिस्टेंस एग्जॉस्ट, यानी जब पिस्टन टीडीसी से, ये टीडीसी से बीडीसी पे आता है ना, तब कौन से तीन स्ट्रोक आते हैं, नीचे की साइड सक्शन, ऊपर की साइड पावर, और 20% डिस्टेंस पे एग्जॉस्ट, यानी ऐसे करके ऐसे घुमा, ऐसे करके ऐसे घुमा, तीन स्ट्रोक आ गए। ठीक है, और बाद में अब ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने में, ये ऊपर जाने में कौन सा स्ट्रोक आएगा, कंप्रेशन स्ट्रोक आएगा, यानी कि यहाँ पे हमें मिल चुके हैं चार स्ट्रोक, क्रैंक ने एक रोटेशन खत्म कर लिया है और वो एक रोटेशन में हमने एक पावर स्ट्रोक ले लिया है, यानी कि ये किसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, टू स्ट्रोक का वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, स्पार्क प्लग, तो ये किसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, पेट्रोल इंजन का, तो हम बोल देंगे टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का ये वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, अब पीवी डायग्राम कौन सा बनाएंगे, जो हमने फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का बनाया था वही बनाएंगे, ऐसे करके कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बता देना, ये 1 2 3 4 ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अच्छा, अब ये समझ में आया तो डीजल इंजन का भी आसान है, डीजल इंजन में क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, इनलेट पोर्ट खुला है, यहाँ पे पड़ा है, तो सिर्फ और सिर्फ एयर ही लेंगे। ठीक है, तो ये पिस्टन ऐसे आएगा, क्यों पिस्टन ऐसे आएगा, सर ऊपर पावर स्ट्रोक चल रहा है और 20% डिस्टेंस पे एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी आ रहा है, तो हाफ रोटेशन में ये तीन आ गए। ठीक है, अच्छा अब जब ऊपर जाएगा तब यहाँ पे स्पार्क प्लग यूज होगा ना, क्यों, डीजल इंजन है तो फ्यूल इंजेक्टर, यानी डीजल को इंजेक्ट करा देना, डीजल को इंजेक्ट करा देना, तो वो क्या हो जाएगा, इसका पावर स्ट्रोक हो जाएगा, फिर ये कंप्रेशन स्ट्रोक में जाएगा, यानी इन शॉर्ट क्या डिफरेंस याद रखना है, पहला डिफरेंस सक्शन स्ट्रोक में प्योर एयर एंटर होने वाली है डीजल इंजन में, और कंप्रेशन स्ट्रोक जब खत्म होगा यहाँ पे जब आएगा तब स्पार्क प्लग की जगह फ्यूल इंजेक्टर ले लेना, और फ्यूल इंजेक्टर इंजेक्ट कराएगा डीजल को, और उसका पीवी डायग्राम कैसे आएगा, पीवी डायग्राम मैंने बोला था कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बता देना, ऐसे करके ये कांस्टेंट प्रेशर 1 2 3 4 ये पॉइंट पे जो प्रेशर है P2 वही प्रेशर होगा P3 का। सो आई होप टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजिन और डीजल इंजिन का वर्किंग प्रिंसिपल हो गया होगा क्रिस्टल क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टर्मिनोलॉजीज ऑफ आईसी इंजन, यानी आईसी इंजन की टर्मिनोलॉजीज हमें एक्सप्लेन करनी है। अब टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक तरीके का स्पेसिफिकेशन आईसी इंजन का। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मार्केट से एक स्क्रू खरीदना है तो वो स्क्रू के कुछ स्पेसिफिकेशन होंगे, जैसे कि उसकी लेंथ कितनी होगी, उसका जो डायामीटर होगा वो कितना होगा, उसका हेड होगा वो स्क्वायर होगा, सर्कल होगा या हेक्सागन होगा, तो वो सारी चीज क्या कहलाती है, स्पेसिफिकेशन। तो यही सारी स्पेसिफिकेशन आईसी इंजन के केस में टर्मिनोलॉजीज कहलाती
आती है, यानी स्पेसिफिकेशन टर्मिनोलॉजी दोनों एक ही चीज है, लेकिन आईसी इंजिन के अंदर स्पेसिफिकेशन को हम बोलते हैं टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजीज हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहली टर्मिनोलॉजी है टीडीसी एंड बीडीसी। टीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर, बीडीसी यानी बॉटम डेड सेंटर। अब इसे कैसे लिखे हम एग्जाम में, तो हम ऐसे लिखेंगे कि ये एक पोजीशन होती है क्रैंक की जहां पे पिस्टन होगा इट्स मोस्ट टॉप मोस्ट पोजीशन। वापस एक बार, टीडीसी यानी क्या, क्रैंक की ऐसी पोजीशन, क्रैंक की ऐसी पोजीशन जिस पे पिस्टन होगा इस उसके मोस्ट टॉप मोस्ट पोजीशन पे। तो ऐसे आप लिख लेना कि इट इज द पोजीशन ऑफ द क्रैंक ऑन विच पिस्टन इज एट इट्स मोस्ट टॉप मोस्ट पोजीशन। और बीडीसी यानी क्या कि सपोज ये घूम रहा है तो यहाँ पे ये बीडीसी पोजीशन आ गई और ये टाइम पे पिस्टन कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। यानी बीडीसी यानी क्या, इट इज द पोजीशन ऑफ द क्रैंक ऑन विच पिस्टन इज एट इट्स मोस्ट बॉटम मोस्ट पोजीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रोक, स्ट्रोक यानी क्या, टीडीसी से और बीडीसी के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे स्ट्रोक लेंथ या फिर स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, किसमें होगा, मीटर में। नेक्स्ट है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम यानी सिलेंडर का वॉल्यूम, किस दो चीज के बीच का, टीडीसी और बीडीसी के बीच का जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम को हम क्या बोल देंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम अगर हमें ढूंढना है वीएस, तो हमारे पास लेंथ है, हमारे पास डायामीटर है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगा सिलेंडर का, हमें पता है स्ट्रोक वॉल्यूम पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्लियरेंस वॉल्यूम, जिसे वीसी से डिनोट किया जाता है। क्लियरेंस वॉल्यूम यानी वापस से सिलेंडर का ही वॉल्यूम, लेकिन कौन सी जगह का, जो हमारा टीडीसी है उसके ऊपर का जो वॉल्यूम है सिलेंडर का उसे हम बोल देंगे क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, किसमें आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। नेक्स्ट है टोटल वॉल्यूम, तो ये हो गया हमारा इतना, ये क्या हो गया हमारा टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम किसका समेशन है, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम का, वी एस प्लस वी सी का। तो यहाँ पे लिखा है टोटल वॉल्यूम वी एस प्लस वी सी, किसमें आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। नेक्स्ट है कंप्रेशन रेशियो, जिसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। कंप्रेशन रेशियो जो है वो रेशियो होता है टोटल वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम का, टोटल वॉल्यूम बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। अब ये कंप्रेशन रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल वॉल्यूम क्या है, टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है वी एस प्लस वी सी, टोटल वॉल्यूम है ये रहा, और क्लियरेंस वॉल्यूम एज इट इज कर देते हैं, तो आर क्या हो जाएगा हमारा, ये वी सी से वी सी कैंसिल, तो वन प्लस वी एस बाय वी सी भी हम लिख सकते हैं। वी सी वी सी गया तो वी एस बच गया, वी एस बाय वी सी रह गया प्लस वन, तो हम इसे वन प्लस वी एस बाय वी सी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये सारे न्यूमेरिकल्स में काम आने वाले हैं हमारे इक्वेशन। नेक्स्ट है ब्रेक पावर। ब्रेक पावर होता है किलोवाट में। ब्रेक पावर यानी क्या, ऐसा पावर जो मेन शाफ्ट पे हमें मिलता है। मेन शाफ्ट कहाँ है, ये रहा हमारा मेन शाफ्ट, यहाँ पे जो पावर हमें मिलता है उसे हम बोल देंगे ब्रेक पावर। सपोज हमारा ब्रेक पावर है 8 किलोवाट पावर हमें मिला मेन शाफ्ट। ठीक है, तो ब्रेक पावर यानी क्या, इट इज द पावर विच इज ऑब्टेन या फिर पावर विच इज प्रोड्यूस्ड ऑन द मेन शाफ्ट, दैट इज कॉल्ड ब्रेक पावर। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर यानी क्या, ऐसा पावर जो सिलेंडर के अंदर प्रोड्यूस हुआ, सिलेंडर के अंदर जो कंबशन के कारण जो पावर बना ना उसे इंडिकेटेड पावर बोलेंगे। सपोज करते हैं इंडिकेटेड पावर है हमारा 10 किलो वॉट। ठीक है, इंडिकेटेड पावर यानी क्या, सच पावर विच इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सिलेंडर। ब्रेक पावर यानी क्या, पावर विच इज प्रोड्यूस्ड ऑन द मेन शाफ्ट। और एक चीज हमें याद रखनी है कि इंडिकेटेड पावर हमेशा ब्रेक पावर से ज्यादा होगा, इंडिकेटेड पावर हमेशा ब्रेक पावर से ज्यादा होगा। क्वेश्चन आएगा क्यों ऐसा, सर सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पे 10 किलोवाट प्रोड्यूस हुआ और हमें मेन शाफ्ट पे ट्रांसमिट करना है, तो क्या होगा, पिस्टन और सिलेंडर के बीच में फ्रिक्शन होने वाला है, ये वॉल और ये पिस्टन की वॉल और सिलेंडर की वॉल दोनों एक दूसरे के साथ घिसने वाली है, जिसके कारण कुछ पावर लॉस्ट होने वाला है फ्रिक्शन के कारण, जो हो गया 2 किलोवाट, जिसे हम बोल देंगे फ्रिक्शन पावर। ठीक है, यानी यहां से 10 किलोवाट प्रोड्यूस हुआ अंदर की साइड पर, ये हमारा इंडिकेटेड पावर, लेकिन उसमें से 2 किलोवाट पावर फ्रिक्शन में चला गया, तो 10 माइनस 2 कितना आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है,
सो नेक्स्ट है फ्रिक्शन पावर। फ्रिक्शन पावर क्या, जो भी पावर लॉस्ट हुआ दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन पावर। उसका इक्वेशन क्या होगा, एफ बी कितना था हमारा फ्रिक्शन पावर, 2 था। क्यों 2 आया सर, क्योंकि इंडिकेटेड पावर हमारा कितना था, 10 था, ब्रेक पावर 8। तो फ्रिक्शन पावर इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूबिक कैपेसिटी, जिसे सेंटीमीटर क्यूब के नाम से भी जानते हैं। क्यूबिक कैपेसिटी यानी क्या, क्यूबिक कैपेसिटी विल इंडिकेट द साइज ऑफ द इंजन बोल लो या वॉल्यूम ऑफ द इंजन बोल लो। हमने सुना है 110 सीसी की बाइक आती है, 150 सीसी की बाइक आती है। ये सीसी क्या बताती है, ये सीसी इंजन का साइज बताती है, इंजन का वॉल्यूम बताती है। जितनी सीसी ज्यादा उतना इंजन का साइज ज्यादा, उतना इंजन का वॉल्यूम ज्यादा, उतनी बाइक हमारी हैवी, उतनी हमारी एवरेज कम, ठीक। अच्छा, तो ये सीसी यानी क्या, इंजन का वॉल्यूम बताता है। और सीसी इंजन का वॉल्यूम अगर हमें ढूंढना है तो इंजन का वॉल्यूम क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम पाई बाय 4 डी स्क्वायर इनटू एल से हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब है आखिरी टर्मिनोलॉजी जो के है क्रैंक स्पीड। अब क्रैंक स्पीड को 2LN से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया 1N, 1N, N यानी रोटेशन, N यानी रोटेशन, एक रोटेशन टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी, एक N, एक रोटेशन जब खत्म करेगा तब लेंथ ऑफ स्ट्रोक कितना होगा, 2 होगा। कैसे, जैसे कि टीडीसी से बीडीसी गया, एक L हो गया, टीडीसी से बीडीसी एक L, ये क्या है L है, ये टीडीसी से बीडीसी का डिस्टेंस L, आधा रोटेशन आधा N यानी एक L, दूसरा आधा N यानी 2L, यानी एक N पे 2L हमें मिलेंगे, एक N पे 2L हमें मिलेंगे। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। एक आखिरी टॉपिक देख लेते हैं। तो इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं। सो आखिरी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट ये चैप्टर का, जो कि है गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन, यानी आईसी इंजन को हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कुछ 7 पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख के रखे हैं टू गेट द फुल मार्क्स। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्ट्रोक, कितने स्ट्रोक होंगे, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक इंजन। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक साइकिल, कौन सी साइकिल देखी, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल हमने देखी जिसे हम पेट्रोल इंजन बोलते थे, और कांस्टेंट प्रेशर साइकिल हमने देखी जिसे हम डीजल इंजन बोलते हैं। और एक और इंजन भी आता है जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी होती है और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी होती है, जिसे हम ड्यूअल साइकिल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन इग्निशन सिस्टम, फ्यूल कैसे कैसे हम जलाते हैं। तो 2 तरीके से हमने देखा है, SI इंजन, स्पार्क इग्निशन और कंप्रेस्ड इग्निशन, ये डीजल इंजन हो गया, पेट्रोल इंजन हो गया। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन फ्यूल यूज्ड, कौन सा फ्यूल, पेट्रोल यूज हुआ तो पेट्रोल इंजन, डीजल यूज हुआ तो डीजल इंजन, CNG यूज हुआ तो CNG इंजन, ऐसे बायोफ्यूल इंजन भी आते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, यानी सिलेंडर का अरेंजमेंट के हिसाब से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है इनलाइन इंजन, ये जो इंजन है हम इसे इनलाइन इंजन बोलेंगे क्योंकि लाइन में एक इंजन हमें दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है वी इंजन, तो ये जो हमारा हो गया वी शेप का, इसे हम वी इंजन बोल देंगे। नेक्स्ट है अपोज्ड सिलेंडर इंजन, यहाँ पे जो 2 सिलेंडर है एक दूसरे के ऑपोजिट है तो इसे हम अपोज्ड सिलेंडर इंजन बोल देंगे। नेक्स्ट है एक्स टाइप इंजन, एक्स टाइप इंजन हम देख सकते हैं ऐसा कुछ अल्फाबेट एक्स हमें दिख रहा है तो इसे एक्स टाइप इंजन बोल देंगे। और आखिरी है रेडियल इंजन, रेडियल इंजन यानी रेडियली ये काम करता है जिसे हम रेडियल इंजन बोल देंगे। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द कूलिंग सिस्टम, यानी इंजन को हम कूल किस तरीके से कर सकते हैं, तो 2 ही टाइप होंगे, पुराने जमाने में होता था वाटर कूल्ड और अभी आ गए हैं एयर कूल्ड इंजन। और आखिरी जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फ्यूल सप्लाई सिस्टम, पहला है कार्ब्यूरेटर और दूसरा है फ्यूल इंजेक्टर। कार्ब्यूरेटर पेट्रोल इंजन में यूज होता है और फ्यूल इंजेक्टर होता है डीजल इंजन में यूज। तो यहाँ पे ही ये पूरा चैप्टर होता है समाप्त। आई होप सारे जो कंसेप्ट थे डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक के आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।